अभी ना जी लोहरी फ्राई रोस्ट चरगा तैयार होने लगा जी। लोहरी फ्राई रोस्ट चरगा, लोहरी फ्राई चरगा वाह। इधर देख, इसको डीप फ्राई करना है भाई, सरसों का तेल है। अच्छा, ये सरसों के तेल में आप फ्राई? सरसों के तेल। एक दिन में कितने निकल जाते हैं आपके? ये अल्लाह के रहमत है, अल्लाह का होता है। 10-15 चाहिए, 10-15 आपके निकल। बिरयानी चरगा लेग पीस, अगारी लेग पीस, सही। ये दिल्ली स्टाइल में बिरयानी है, तय वाली बिरयानी। वाओ, दिल्ली स्टाइल में चिकन में पकी है, तय लगी हुई है। इसमें क्या प्राइस है? 150 की आप है, 300 की फुल बिरयानी है। ठीक है, मैं हाफ मैं ट्राई करूँगा ना। अच्छा, पहले वो स्टीम होता है, स्टीम होने के बाद जो है ना आप जो फाइनल इसमें फ्राई करते हैं, फ्राई हो सरसों के तेल में, प्योर सरसों। जबरदस्त। ये कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? 25 साल से। इससे पहले आपके वाले साहब होंगे? मजदूरी करते थे। अच्छा अच्छा, एक गॉड गिफ्ट है, मैंने किसी से नहीं सीखा। सीखा नहीं, खुद ही आपने अपने। ये जो है ना बड़ी एक अच्छी टेक्निक है, ये गॉड गिफ्ट है। जबरदस्त, मेरा कोई उस्ताद नहीं, अल्लाह उस्ताद है। यानी ये आपने ना बड़ी अच्छी टेक्निक निकाली है। ये देखिए ना, स्टीम फ्राई चिकन, स्टीम के बाद फ्राइड हो, फ्राइड हो, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टीम में कई दफ़ा होता है कि वो ज़्यादा अंदर से गलता नहीं है, ये फ्राई हो जाता है तो सारा जो है ना जबरदस्त। सर ये तैयार, ये हमारा तैयार। इसको अगर एक लिमिट से ज़्यादा फ्राई करेंगे फिर ये इधर ही रखें। वाह, सही है। लेमन देना भाई साहब। ये जी लेमन, उधर पेपर रखो दो। उधर यार, अच्छा ये स्पेशल मसाला है आपका? हाँ जी, ये वज़ीराबाद का स्पेशल रोस्ट चल रहा है। वाह, वज़ीराबादियों की अपनी चाल है। वाह जी वाह, वज़ीराबादी इन्वेंशन है। हाँ, स्टीम रोस्ट चल रहा। वाह क्या बात, स्टीम प्लस फ्राइड, स्टीम प्लस फ्राइड चल रहा। ज़बरदस्त, क्या बात है, ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है ट्राई करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। और सलाद रहते के साथ इस, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखें जी, हैदराबादी दिल्ली बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, वाह प्योर इंडियन स्टाइल। ये तय वाली बिरयानी है भाई, ज़बरदस्त। वज़ीराबाद की मशहूर दुकान है वज़ीराबाद ब्रोस्ट, दिनाबाद ब्रोस्ट। नीम क्या शॉप का आपका? वज़ीराबाद ब्रोस्ट। हाँ वो मैंने देखा, दिनाबाद। ये इसी तय में पका हुआ है चिकन है, माशाल्लाह। ये बिल्कुल बहुत ही दिल्ली स्टाइल की बिरयानी, मुगलिया खानदान की। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये डिस्पोजल चम्मच। वाओ, और ये मैं अपने भाई को पास कर रहा हूं। ये कौन सी फ्राई फिश है? ये फिंगर फिश है। फिंगर? यस सर। आपके चैनल पे Thank you.
फ्राई रोस्ट चरगा तैयार हो रहे हैं। फ्राई फ्राई रोस्ट बहुत ही जबरदस्त। ये नहीं है ये दो होते वो अच्छा भाई ये कितने वेट का है क्या वेट क्या होता है नॉर्मली जो पोषक लगे ना 1 किलो 300-400 ग्राम होता है। अच्छा सही अच्छा ये पैक रोस्ट मसाला है। अच्छा ये रोस्ट मसाला है। लेमन अच्छा फाइनल है साफी कोई नहीं साफी है जो के अंदर दबाव जाता है वो तो मैं इंस्पेक्शन कर जबरदस्त ऑफ है मौसम मेरे से निकले स्टैंड के साथ अपने आप ही चिकन दाबू पकौड़ा। अच्छा ये क्या है चिकन दाबू पकौड़ा। अच्छा ये चिकन दाबू पकौड़ा तुम मेरे को सवाल करो मैं दसा दाबू कहने दाबू का मतलब की है। अच्छा क्या मतलब है दाबू का। दाबू जो है डच जुबान का जर्मन जुबान का लफ्ज़ है इसका मतलब है पेश करना। अच्छा दाबू का मीन है पेश करना। तो आप जो है ना इसका नेम रखा हुआ है दाबू चिकन। अच्छा जो आम बंदे को नहीं पता दाबू चिकन जबरदस्त क्या बात है जी। मुंबई की स्टॉक भाई ये हमारा टोमो लेग पीस है। टोमो जापानीज़ में इसको कहते हैं दोस। अच्छा अच्छा ये टोमो स्टाइल जापानी स्टाइल में आता है। जापानी स्टाइल में टोमो लेग पीस वाह देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है। अच्छा ये कौन सी है ये मुश्का फिश है। ये दो दरियाओं की फिश होती है। दिखाएं जरा जहाँ जहाँ पर दरिया सिंध ठट्ठा जामशोरो लैटी बंदर जहाँ जहाँ वो समुद्र में दरिया गिरता है ना सिंध जी जी उस दरिया की ये मछली इसको मुश्का फिश बोलते हैं। अच्छा इसको मुश्का फिश चलो थोड़ी सी दिखाएं ना इधर ये सब लोगों के पास नहीं होती है सिर्फ मुख्तार किंग फिश और वजीराबाद रोस्ट पे बकाया सब धोखा है। धोखों से बचो निकालो से बचो ओरिजिनल फिश खाओ मुश्का फिश खाओ। अच्छा दिखाए ना भाई वो कौन सी काला रो मसाला रो। अच्छा ये कौन सा ये रोहू फिश का डंडा है। अच्छा ये रोहू फिश का डंडा हाँ इसको डंडा कहते हैं रोहू फिश का ये कुछ ना जो कि पसंदीदा फिश है और ये हैदराबाद में खाने आते हैं। सही इसका नेम क्या आप ये काला रोहू है प्योर काला रोहू आप देख हाँ नज़र आ रहा है। ये क्या प्राइस क्या है पर केजी के साथ ये 1000 पर केजी है। अच्छा 1000 पर केजी सही ये जो आपने फ्राई की हुई है हाँ ये फ्राई की है ये जेठा रोहू है जेठा रोहू का पीस है जेठा रोहू सही ज़बरदस्त दिखने में काफ़ी अच्छी था। ठीक है भाई इंशाल्लाह वेरी थैंकफुल टू यू सर गिवन अस अ गुड टाइम।